जो आपकी वैल्यूज है कोचिंग वो जब आप शेयर करोगे तब ऑडियंस आपसे जुड़ेगी। देखो कोर्स हर कोई बेच रहा है मार्केट में, ठीक है, आप क्या स्टोरी लेते हैं लोग यार, ब्रांड बनाओ, ब्रांड कैसे बनेगी, वैल्यूज, एथिक्स, ये सब देखो, ये सब सेट कर रखा है या नहीं कर रखा। अब जो गूगल से लीड्स आ रही है उन पे कोई काम नहीं कर रहा है, कुछ इंस्टाग्राम पे पड़ी है तो वो पेंडिंग में ही पड़ गई है, तो भाई इसके लिए ना आपको एक पूरा लीड का प्रोसेस अपना रखना पड़ेगा। ये हायरिंग अच्छी करनी है, सबसे पहले आपको ये देखना है, एक अवतार क्रिएट करना है कि भाई मुझे हायर करना किसको है। हायर करने के लिए मतलब एक बंदा जिसको मैं हायर करने वाला हूँ उसके अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैटनिक्स डिजिटल मीडिया, दिस साइड ओमर, डिजिटल मार्केटर एंड फाउंडर ऑफ कैटनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड करेंटली हेल्पिंग कोचेज एंड कंसल्टेंट टू मेक देयर ब्रांड ओवर द इंटरनेट। आज मैं आपके साथ चार ऐसे चैलेंजेस शेयर करने वाला हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, जितने भी कोचिंग ओनर्स हैं वो क्या क्या इशूज फेस कर रहे हैं, मतलब एक बड़ा चैलेंजेस तो उनको कोचिंग चलाने में क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो ये सब ना मुझे कैसे पता चला, ये जब मैं उनसे जाके मिला, क्योंकि करंटली हम लोग कोचेस का काम कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट्स का काम कर रहे हैं, तो जो उनके पेन पॉइंट्स हैं और जो उसका सॉल्यूशन है, जो मैंने कॉन्क्लूड करा, मेरी टीम ने कॉन्क्लूड करा, हम लोगों ने वर्क करके एक्सपीरियंस करा कि यार ये चीज सही हो रही है, ये चीज गलत हो रही है। देखो क्या होता है ना, कोचिंग ओनर्स डिजिटल मार्केटिंग में परफेक्ट नहीं होते हैं, वो अपनी कोचिंग लाइन में एक्सपर्ट है, वो क्या कर रहे हैं, वो अपने तरीके से अच्छा पढ़ा रहे हैं। अब क्या होता है, जब जो लोग उसमें एक्सपर्ट नहीं होते हैं वो बहुत सारी गलतियां करते हैं, अब वो भी काम करते हैं जो काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो पहली मिस्टेक जो मुझे लगी उन लोगों के साथ, उन लोगों ने मुझे बताया कि यार जो कोचिंग ओनर्स है ना उनको ये नहीं समझ में आता कंटेंट क्या डाले, पहली प्रॉब्लम है। उन्होंने बताया कि यार मेरे पास ना ज्यादातर क्या है कि बैचेस का है कंटेंट, टेस्टिमोनियल है, जिस बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं वो मेरे पास है, इसके अलावा मैं रोज रोज क्या कंटेंट बनाऊं, क्या डालूं, मेरे समझ में नहीं आता। अब बहुत सारे मार्केटिंग के एजेंसीज भी उनके पास पहुंची और उनसे कहा, लेकिन लौट फिर के सवाल वहीं अटक जाता है कि कंटेंट कहाँ से आएगा। तो यार देखो, कंटेंट खाली बैचेस या फिर आप अगर ये सोच रहे हो कि टेस्टिमोनियल है, नहीं, ऐसा नहीं है। आप उनका देखो, बहुत सारी चीजें होती हैं कंटेंट में, जस्ट फॉर एग्जांपल आप गोल सेटिंग हो गया बच्चों का, आप किसी बच्चे की पर्टिकुलर कोई स्टोरी है, मतलब एक इमोशनल स्टोरी है, वो आपके पास आया, आने के बाद आपने उसकी कैसे हेल्प करी और उसका करियर कितना ग्रो हुआ, तो ये आप जो आपकी वैल्यूज है कोचिंग वो जब आप शेयर करोगे तब ऑडियंस आपसे जुड़ेगी। देखो कोर्स हर कोई बेच रहा है मार्केट में, ठीक है, आप क्या स्टोरी लेते हैं लोग यार, ब्रांड बनाओ, ब्रांड कैसे बनेगी, वैल्यूज, एथिक्स, ये सब देखो, ये सब सेट कर रखा है या नहीं कर रखा। चलो दूसरी प्रॉब्लम, चलो भाई मान लिया कंटेंट बन भी गया, कंटेंट बन गया, लेकिन अब डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम होती है कि यार डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, कहां पे करें, समझ में नहीं आता। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है जैसे फेसबुक पे आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, अपनी वेबसाइट पे कर रहे हो, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कर रहे हो, गूगल पे कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, तो एक सिस्टम नहीं बन पाया इसका। तो क्या होगा ना, इससे प्रॉब्लम इश्यूज क्रिएट होंगे, आपने एक पोस्ट कहीं डाल दी, दूसरी जगह नहीं डाली, फिर प्रॉब्लम शुरू होगी। तो आप क्या कर सकते हो, आप फेसबुक स्टूडियो यूज कर सकते हो अपनी पोस्ट को शेड्यूल करने के लिए, एंड द सेकंड थिंग इज कोशेड्यूलर टूल यूज कर सकते हो, और मार्केट में बहुत सारे टूल्स हैं, पेड भी हैं, फ्री भी हैं, कैनवा है, उससे आप क्या कर सकते हो, अपनी पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हो। अब आते हैं थर्ड प्रॉब्लम पे, एक जगह मुझे ये भी सुनने को मिला कि लीड्स मैनेज नहीं हो पा रही है, हमारे पास लीड्स बहुत सारी आ रही है, हम उस पर वर्क ही नहीं कर पा रहे। इसके लिए हमने किसी ने CRM भी लगवा रखा था, लेकिन CRM से इतना यूज में नहीं है, इतना इजी टू यूज नहीं है, प्रॉब्लम हो रही है। अब जो गूगल से लीड्स आ रही है उन पे कोई काम नहीं कर रहा है, कुछ इंस्टाग्राम पे पड़ी है तो वो पेंडिंग में ही पड़ गई है, तो भाई इसके लिए ना आपको एक पूरा एक लीड का प्रोसेस अपना रखना पड़ेगा, एक बिजनेस डेवलपर या फिर काउंसलर को रखना पड़ेगा जो उन लीड्स के लिए हो, ठीक है। फोर्थ पॉइंट जो उनके यहाँ मुझे ये लगा कि जो मतलब एक ऐसा पॉइंट जिस पे वर्क अप करना चाहिए कोचिंग सेंटर को, दैट इज हायरिंग प्रोसेस। अभी तक क्या है कि आप लोग कैसे हायर कर रहे हो, जो अभी तक मुझे पता चला कि भाई किसी ने कोचिंग में काम कर रखा है तो आपने उसको एज अ काउंसलर रख लिया, ठीक है, डजंट मैटर, लेकिन आप ये नहीं चेक कर रहे हो कि आज के टाइम में जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, जो आज के टाइम में स्किल्स मस्ट हैं, तो आपको क्या करना है ना, अगर अपने हायरिंग अच्छी करनी है सबसे पहले आपको ये देखना है, एक अवतार क्रिएट करना है कि भाई मुझे हायर करना किसको है। हायर करने के लिए मतलब एक बंदा जिसको मैं हायर करने वाला हूँ उसके अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए। काउंसलिंग
मस्ट है, कोचिंग के लिए बेसिक स्किल मस्ट है, मैनेजमेंट मस्ट है, ठीक है, उसके बाद सोशल मीडिया होना चाहिए, उसके बाद कंटेंट राइटिंग का होना चाहिए, तो जो स्किल्स आज मेन है वो होना चाहिए। या फिर ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हो कि किसी एक एजेंसी को दे सकते हो जो वो सारी चीजें मैनेज करेगी, जैसे कि हम लोग करते हैं। तो गाइज, अगर आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम्स रह गई हैं जो आपके साथ इशू हो रही है, अगर आप एज अ कोचिंग ओनर हो या फिर कोई भी कोर्स आप सेल आउट करते हो, आपके साथ कुछ इश्यूज हो रहे हैं, तो आप कमेंट करके बताओ, क्योंकि हो सकता है मुझसे भी बहुत सारी चीजें रह जाती हैं, मैं भी चीजों को समझ रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लैक रह जाता है। अगर आपको अपनी कोचिंग को ग्रो करना है या फिर अपने बिजनेस को ग्रो करना है, तो मैं नीचे अपना मेल दे देता हूँ, वहां पे आप जाके मुझे मेल कर सकते हो। वहां पे हम आपको क्या करेंगे, आपकी कोचिंग को ऑडिट करेंगे। ऑडिट करने के बाद हम आपको कुछ 7 to 8 क्वेश्चंस देंगे जिसका आपको हमें आंसर करना होगा। देन आफ्टर आपकी पूरी रिपोर्ट हमारी टीम रेडी करेगी, देन फिर हम बात करेंगे कि हम आपकी कोचिंग के साथ काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।